गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माई क्लास एज यूनिट पर शाहबाज। आज के क्लास में हम बीएड के फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, जो कि बीएड के लिए यूपी टेट और सी टेट के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और पीजीटी के एग्ज़ाम्स में भी इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो इसको बहुत हम शॉर्ट में और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के पे बेस्ड इस पर जो है हम स्टडी करेंगे। तो देखते हैं मेथड्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। इसके दो मेथड्स होते हैं जो ब्रॉड कैटेगरी में इसको कैटेगराइज किया जाता है, सब्जेक्टिव मेथड्स और ऑब्जेक्टिव मेथड्स। में सब्जेक्टिव मेथड्स में दो सब मेथड्स होते हैं, इंट्रोस्पेक्शन मेथड और एनेक्डोटल मेथड। सब्जेक्टिव मेथड में जो सब्जेक्ट जो होता है, जो सब्जेक्ट होता है वो अपना जो है माइंड की एनालिसिस खुद करता है। जो पहला है इंट्रोस्पेक्शन मेथड, लुकिंग विद इन वन सेल्फ और सेल्फ ऑब्जर्वेशन। इसमें क्या होता है कि जो इंडिविजुअल जो होता है, जो सब्जेक्ट हमारा होता है, वो सेल्फ ऑब्जर्वेशन करता है, अपने अंदर झांकता है, जिसको कहा जाता है लुकिंग विद इन वन सेल्फ। इंट्रो का मतलब भी होता है लुकिंग विद इन, यानी अपने अंदर देखना और अपना ऑब्जर्वेशन करना। तो इसमें जो है जो सब्जेक्ट होता है वो अपने ही माइंड का ऑब्जर्वेशन खुद करता है। एनेक्डोटल मेथड में इसको ऑटोबायोग्राफी मेथड भी कहा जाता है। इसमें एक पर्सन अपनी ऑटोबायोग्राफी यानी जो भी उसने किया है वो उसके बारे में एक एक्सप्लेनेशन के तौर पर एक अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखता है, या खुद लिखता है, या दूसरों के को बताता रहता है और वो उसको कॉपी डाउन करता रहता है। फिर नेक्स्ट रहते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव मेथड्स। ऑब्जेक्टिव मेथड्स में जो है वो मेथड्स जिसमें जो इंडिविजुअल या सब्जेक्ट जो होता है अपना ऑब्जर्वेशन खुद नहीं करता, दूसरे उसको ऑब्जर्वेशन करते हैं, इसलिए उसको ऑब्जेक्टिव मेथड्स कहा जाता है। इसमें पहला है एक्सट्रोस्पेक्शन मेथड या ऑब्जर्वेशन मेथड। इसको लुकिंग आउटसाइड, जैसे ये लुकिंग विद इन था, ये लुकिंग आउटसाइड यानी एक व्यक्ति एक पर्सन दूसरे पर्सन का ऑब्जर्वेशन कर रहा होता है, इसलिए उसको लुकिंग आउटसाइड वन सेल्फ कहा जाता है। जैसे क्रिकेट के मैदान में क्रिकेट का जो कोच होता है वो अपने खिलाड़ियों को देख रहा होता है, वो कैसा परफॉर्मेंस कर रहे हैं और उनको ऑब्जर्व करता है, फिर बाद में उनको गाइड भी करता रहता है, तो इसलिए उसको ऑब्जर्वेशन मेथड कहा जाता है। दूसरा एक्सपेरिमेंटल मेथड कहा जाता है। इसमें क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल मेथड में हम सबसे पहले एक प्रॉब्लम देखते हैं, रेजिंग अ प्रॉब्लम, फिर एक हाइपोथेसिस बनाते हैं कि उस प्रॉब्लम के कारण क्या हो सकते हैं, यानी उसको हाइपोथेसिस को हम लोग कहते हैं टेंटेटिव सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम, यानी इस प्रॉब्लम का टेंटेटिव सॉल्यूशन क्या हो सकता है, तो हम वो इसमें बना देते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ। तीसरी चीज़ क्या करते हैं, इसमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स देखते हैं हम कि किसको घटाने बढ़ाने से हमारे जो सब्जेक्ट होता है उसके ऊपर क्या जो है इफेक्ट पड़ता है। फिर कंट्रोलिंग द एनवायरनमेंट, जो आसपास का एनवायरनमेंट होता है उसको कंट्रोल, जैसे हम लोग लैब में करते हैं जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एनवायरनमेंट को हम लोग कंट्रोल करते हैं। फिर रिजल्ट जो आता है उसका एनालिसिस करते हैं, और फिर वेरिफिकेशन ऑफ हाइपोथेसिस, जो हमने हाइपोथेसिस बनाई थी टेंटेटिव सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम उसको हम लोग वेरीफाई करते हैं। तीसरा क्लिनिकल मेथड है, टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन द बिहेवियर ऑफ माल एडजस्टेड एंड डिवियंट केसेस। इसमें क्या होता है, माल एडजस्टेड जो हमारे सब्जेक्ट होता है या डिवियंट केसेस जो होते हैं, जैसे क्रिमिनल केसेस होते हैं, क्रिमिनल बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं, उनके बारे में क्लिनिकल मेथड में स्टडी करी जाती है। अगर पूछा जाए क्लिनिकल, अगर किसी क्रिमिनल बैकग्राउंड के चाइल्ड के बारे में स्टडी करना है तो कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, क्लिनिकल मेथड। केस स्टडी मेथड, इसमें क्या होता है, इनडेप्थ स्टडी ऑफ दी सब्जेक्ट एक्सप्लोरिंग लाइफ ऑफ इंडिविजुअल। इसमें एक इंडिविजुअल की लाइफ को हम एक्सप्लोर करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, उसकी इनडेप्थ में जाते हैं, जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसके बारे में हम सारी जानकारी इसमें ले लेते हैं, जैसे उसका नाम क्या है, कहाँ रहता है, उसकी फैमिली का बैकग्राउंड, उसकी इनकम, इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, एजुकेशन कैसी है, तो सारी जानकारी हम केस स्टडी मेथड के अंदर से ले लेते हैं। तो अगर किसी की डेप्थ में स्टडी करनी है तो केस स्टडी मेथड हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये मैंने बहुत ही लिमिटेड जो है मेथड्स डिस्कस करे हैं, और भी मेथड्स होते हैं लेकिन लिमिटेड टाइम पीरियड में इतना ही किया जा सकता है। तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।